राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी भाग तीन। आलेख शेर जंगर का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो तुम्हें याद है ना, दादाजी ने बताया था कि म्याऊं म्याऊं बिल्ली करती है, भौं भौं कुत्ता भौंकता है, मैं बकरी मिमियाती है और ढेंचू ढेंचू गधा रेंकता है। आज दादाजी तुम्हें एक नई बात बताने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुनना। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, राम राम। राम राम दादाजी। राम राम। राम राम। ओए होए, ओए होए, भाई क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरों पर कुछ ज्यादा ही खुशी नजर आ रही है। दादाजी हमें आपकी बातें भी अच्छी लगती है। ओए होए, होए होए होए, अरे भाई तुम्हारे दादाजी को भी तो ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। पूछो क्यों? क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलना, उनसे गपशप करना, प्यारी प्यारी बातें सुनना सुनाना, और अब देखो ना तुम सबसे मुलाकात क्या हुई, लगता है हमारा जुकाम ही रफू चक्कर हो गया। छी, शायद अभी थोड़ा बचा है, चलो जी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दादाजी लगता है हमारा जुकाम तुम्हें भी लग गया। नहीं दादाजी नहीं, हमने तो आपकी बातें रोकने के लिए अच्छी करी थी। तो कह दो भाई, यूं ही कह दो अपने दादाजी से। दादाजी कल आपने बताया था बिल्ली के म्याऊं म्याऊं, कुत्ते के भौं भौं और बकरी के मैं मैं और गधी के रेंकने पर ढेंचू ढेंचू। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। तो तुम्हें याद है ना, म्याऊं म्याऊं करने, भौं भौं भौंकने, मैं मिमियाने और ढेंचू ढेंचू रेंकने की, याद है ना? तो बच्चों अब हमें ये बताओ कि ये सब यानी बिल्ली कुत्ता बकरी और गधा आखिर क्या कहलाते हैं, इन्हें तुम सब क्या कहते हो, ये पशु हुए या पक्षी? दादाजी पक्षी हुए। अच्छी, अरे ये क्या गड़बड़ का डाला तुमने, होए होए होए, अरे ये सब पक्षी क्यों हुए, कहां से हुए? अरे प्यारे बच्चों पक्षी कहते हैं पर वालों को, पंख वालों को, यानी उड़ने वालों को पक्षी कहा जाता है, समझे? तो क्या ढेंचू ढेंचू रेंकने वाला गधा उड़ता है? नहीं दादाजी। तो क्या भौं भौं करने वाला कुत्ता उड़ता है? नहीं दादाजी। नहीं उड़ता ना, जब नहीं उड़ता तो ये पक्षी कहां से हुए? तो प्यारे बच्चों जो उड़ उड़ जाए वो पक्षी, जो आसमान में अपने पंख फड़फड़ा कर उड़ जाए वो पक्षी। हाँ तो अब बताओ कौन कौन उड़ता है आसमान में? हाँ हाँ
बताओ ना, अपने पंख के सहारे आसमान में उड़ने वाले पक्षी कौन कौन से हैं? क्या कहा? चिड़िया? ठीक। कबूतर? अरे वाह, बिल्कुल ठीक है। तोता? बिल्कुल ठीक। मैना भी ठीक। बंदर? ये कौन बोला बंदर? गलत, बिल्कुल गलत। क्या तुमने कभी बंदर को उड़ते देखा है? बोलो। नहीं। नहीं देखा ना, तो फिर ये पक्षी कैसे हुआ? अरे बंदर गलत, बिल्कुल गलत। जो बंदर को पक्षी बताए वो खुद बंदर, हाँ, और जो उड़ने वालों को पक्षी बताए वो पक्षी, नहीं 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 नहीं, जो उड़ने वालों को पक्षी बताए वो हुआ अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा मुन्ना। दादाजी, तो फिर गाय, भैंस, ये शेर सब, ये भी तो पक्षी नहीं हुए, ये भी तो सब पशु हुए ना? हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। हाथी, शेर, भैंस, गाय, चीता, ऊंट, ये सब पशु ही हैं। ये सब भी तो उड़ते नहीं हैं, इसलिए ये सब भी पशु ही हुए। प्यारे बच्चों, पशु और पक्षी को अलग अलग समझने के लिए तुम अपने दादाजी की ये बात हमेशा हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना। क्या है वो बात? सुनोगे? लो सुनो। पक्षी उड़ते फर फर फर, पक्षी उड़ते फर फर फर, पशु चलते हैं धरती पर, पशु चलते हैं धरती पर। ओए होए भाई, सब साथ बोलो ना। पक्षी उड़ते फर फर फर, पशु चलते हैं धरती पर। वाह 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 वाह, अब बनी ना बात? तो नन्हे मुन्ने बच्चों, तो तुम समझ गए ना? हैं भाई, जरा जोर से हाँ कहो ना। हाँ, तो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये बात अच्छी तरह समझ लो कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं, जैसे तुम्हारे घर के आंगन में, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घरों की छतों पर। अरे बहुत से ऐसे पक्षी भी हैं जो हरदम फुदकते रहते हैं, जैसे गौरैया। कौवा? और कबूतर को तो तुमने जरूर देखा होगा। बोलो, देखा है ना? दादाजी, पक्षियों की कोई और विशेषता भी होती है? पक्षी पशुओं से एक और मामले में बिल्कुल अलग होते हैं। पूछो क्या? क्या? अरे इसमें पूछने की क्या बात है? क्या तुमने कभी गाय का अंडा देखा है? नहीं दादाजी। भैंस का अंडा देखा है? नहीं दादाजी। गधे का अंडा देखा है? नहीं दादाजी। कुत्ते का अंडा देखा है? नहीं दादाजी। मगर तुमने मुर्गी का अंडा जरूर देखा होगा, बत्तख का अंडा जरूर देखा होगा, चिड़िया भी अंडा ही देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अंडे सिर्फ पक्षी ही देते हैं, कोई भी पशु अंडा नहीं देता। समझ गए ना? बोलो दादाजी। तब तो पक्षी हमारे लिए बहुत काम के हैं। क्यों, कैसे? अरे भाई, क्या तुमने कभी कबूतर का दूध पिया है? नहीं दादाजी।
क्या तुमने कभी किसी चिड़िया का दूध पिया है? नहीं दादाजी। क्या तुमने कभी तोते का दूध पिया है? नहीं दादाजी। नहीं ना, मगर तुम गाय का दूध तो पीते हो। हाँ दादाजी पीते हैं। अब बताओ कि गाय पशु हुई या पक्षी? तुम भैंस का दूध पीते हो, अब भैंस पशु है या पक्षी? दूध बकरी भी देती है। नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम मक्खन और छेना भी तो खाते होगे। कभी ना कभी तुमने मक्खन या छेना जरूर खाया होगा। अरे मक्खन का नाम सुनकर तो तुम्हारे मुंह में पानी आ गया है। तो ये मक्खन और छेना भी तो गाय या भैंस के दूध से ही बनते हैं। तो अब समझ गए ना पशुओं और पक्षियों में क्या अंतर होता है। अभी हमने तुम्हें याद रखने के लिए एक बात बताई थी, याद है ना? हाँ दादाजी याद है। पक्षी उड़ते फर फर फर, पशु चलते हैं धरती पर। वाह 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 वाह। अच्छा बच्चों, तो फिर हम भी चलते हैं। पूछो क्यों? क्यों? अरे इसमें पूछने की क्या बात है? अब हमें अपनी गाय भैंसों को चराने जो ले जाना है। शाम को लौटेंगे तो दूध मिलेगा, ताजा ताजा दूध। अच्छा तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, राम राम। राम राम दादाजी। राम राम दादाजी, कल फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। राम राम।